subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the notifications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2, और आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं या आप अपनी टेक्स्ट बुक भी आगे रखिए, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं. तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, -5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन. देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है. दोनों पॉइंट्स लाइन सेगमेंट बनाते हैं, जैसे यहां पर मैंने बनाया है. दो पॉइंट्स है ए और बी. ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -4, -5. दोनों पॉइंट्स एक लाइन सेगमेंट ए बी बना रहे हैं. अब जो ये लाइन सेगमेंट है, इसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस. तो स्टूडेंट, यहां आप याद कीजिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा, कि जब भी कोई लाइन डिवाइड होती है एक्स एक्सिस से, हमने पढ़ाया है वहां पर, कुछ पॉइंट्स लिखवाए भी थे कि इफ द लाइन इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज इक्वल टू, हाँ शाबाश, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई जो है वो 0 के बराबर होता है. तो ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है. लेकिन इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट पी जो है एक किस लाइन पे है, एक्स एक्सिस, क्योंकि इस लाइन को एक्चुअली कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस. तो इस पॉइंट पी जो है, इसका एक वाई ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा. तो इसका वाई ऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और एक्स तो हमें निकालना ही है. और हमें देखना है कि किस रेशो के अंदर ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी हमें बताना है कि क्या रेशो है जिस रेशो के अंदर ये पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है. तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे. गिवन दैट दिया हुआ है ए 1, -5 एंड बी -4, -5, बी द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है, बी द पॉइंट्स जॉइनिंग लाइन सेगमेंट ए बी. ये वो पॉइंट्स है जो ए बी लाइन सेगमेंट बनाते हैं. हाँ, तो आगे चलते हैं. यहां पर पॉइंट पी भी है, लेकिन ये जो पॉइंट पी है किस पे है, एक्स एक्सिस, क्योंकि इस लाइन को डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस. तो हम लिखेंगे इफ द लाइन इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, अगर लाइन को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, देन द वाई ऑर्डिनेट इज 0. तो उस टाइम वाई ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0. कि जब लाइन को डिवाइड करती है एक्स एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि लाइन को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, यानी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, तो उस टाइम वाई ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, वही हमने यहां पर लिखा है. अब हमें रेशियो चाहिए, तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी के इज टू 1. फिलहाल मैंने जो रिक्वायर्ड रेशो रखा वो हमने रखा k इज टू 1. तो ये मैंने लेट किया कि जो रेशो हमें चाहिए वो हमें चाहिए फिलहाल k इज टू 1. k के बजाय आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x इज टू 1 ले सकते हो, क्योंकि अब यहां x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हम लिखते हैं k इज टू 1. अब लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी k इज टू 1. तो जो मुझे रेशो चाहिए बच्चों, जो रेशो चाहिए उसको मैंने फिलहाल किसके बराबर रखा, हाँ उसको मैंने फिलहाल k
k is to 1 के बराबर रखा। अब देखिए यहां पर क्योंकि रिक्वायर्ड रेशियो k is to 1, अब यहां पर देखिए a के कोऑर्डिनेट्स भी है, b के कोऑर्डिनेट्स भी है और p का आपको एक कोऑर्डिनेट है, यहां पर p का y ऑर्डिनेट है वो कितना है 0, तो हमें रेशियो निकल सकता है। कल भी हमने देखा जो कल वाला क्वेश्चन था वहां पर भी हमने रेशियो निकाला था एक कोऑर्डिनेट से, अगर आपको याद होगा x हमने लिया था, मैंने कहा था अगर आप x लोगे तब भी निकलेगा, अगर आप y लोगे तब भी निकलेगा, दोनों लोगे तब भी निकलेंगे। तो अब हम यहां पर x1 देखते हैं, x1 क्या है हियर, तो बच्चों बताइए x1 कितना है, हाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो बच्चों x1 कितना है, हाँ x1 1 है, तो x2 कितना है, x2, ये x1 है, ये x2 है, x1 y1 x2 y2, तो वो x2 माइनस 4 है। तो बच्चों y1 कितना है, वो है माइनस 5, y2 कितना है, y2 ये देखिए यहां से 5, और बच्चों m1, m1 ये k, और बच्चों m2, m2 1, हमने लेट क्या है। अब यहां हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या है, हाँ इस पॉइंट पे सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल होगी, फिलहाल तो यहाँ जीरो है इस पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो पी एक्स कामा जीरो इक्वल टू बच्चों बताइए सेक्शन फॉर्मूला, हाँ एम एक्स प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस, या क्योंकि हमें वाई का दिया हुआ है तो आप वाई से निकाल सकते हो या आप पूरा लिख सकते हो एम वन प्लस एम टू, आप पूरा भी लिख सकते हो या आप इसका भी निकाल सकते हो अलग से एम वाई प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अब यहां पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1, तो एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन कामा एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, और यहां भी एम वन प्लस एम टू, तो ये सेक्शन फॉर्मूला। अब बच्चों देखिए सेक्शन फॉर्मूला जो है, अब सेक्शन फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए, तो यहां पर p x कामा जीरो, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, m1 हमारा k है यहां पर, मल्टीप्लाइड बाय x2, बच्चों x2 कितना है माइनस 4, फिर प्लस m2, यहां देखिए m2 कितना है 1, मल्टीप्लाइड बाय x1, बच्चों x1 कितना है 1, देन डिवाइड अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो के प्लस वन कामा, बच्चों आगे एम वन, एम वन कितना है हमारा, हाँ ये देखिए के इंटू वाई टू, वाई टू देखिए बच्चों वाई टू कितना है 5, वाई टू 5 है, प्लस एम टू वन इंटू वाई वन, बच्चों देखिए यहां से वाई वन माइनस 5 है डिवाइडेड बाय k प्लस वन एम वन प्लस एम टू, तो ये हमने यहां पर वैल्यूज पुट किए हैं। अब देखिए x कामा जीरो इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू के माइनस 4 के, प्लस 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 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय k प्लस वन कामा, प्लस 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 5 इंटू के 5 के, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 1 आर 5 डिवाइडेड बाय के प्लस 1। तो बच्चों अब देखिए यहां पर बच्चों, अब यहां पर क्योंकि हमें y ऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, तो इस y ऑर्डिनेट से हमें k का वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि ये देखो ये जो है यहां पर ये y का है और ये जो यहां पर है ये x का है, क्योंकि x यहां पर मिस है कि x खुद भी नहीं दिया हुआ है x कितना है, तो x यहां पर x ही फिलहाल है, तो इस x से तो आपको यहां k का वैल्यू नहीं निकलेगा, आपको k का वैल्यू चाहिए, तो वो k का वैल्यू आपको निकल सकता है किससे, y ऑर्डिनेट से, क्योंकि y ऑर्डिनेट बच्चों कितना है, y ऑर्डिनेट 0 है, तो ये y है ना सारा, ये y का है सारा, तो हम ये किसके बराबर रखेंगे, हाँ 0 के बराबर रखेंगे, तो हम लिखेंगे नाउ, तो यहां पर आप इक्वेशन फर्स्ट भी बना लीजिए, नाउ 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल किसके बराबर, हाँ 0 के बराबर, क्योंकि ये 0 और ये जो 0 है ये y का ऑर्डिनेट है, और ये जो है ये सारा y का ही है ना, यहां से देखिए ये सारा y का, ये m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो ये y का है, देखो ये x का होता है और ये जो है ये y का होता है, तो x का ये है, तो इसका मैंने दिया नहीं अभी क्योंकि वहां कुछ निकलेगा नहीं, हाँ यहां y का 0 है तो यहां मैंने y को 0 दिया, ये देखिए 5k माइनस 5 डिवाइड बाय
by k plus 1 equal to 0. तो बच्चों यहां तक पहले आप उतारिए, पहले अपने कॉपी पे जो है ये नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं. तो यहां से देखिए, अब यहां पर मैं 1 डालता हूं डिनोमिनेटर इसका, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर होता है. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू के 1 आर, 5 के क्रॉस होगा ऐसे, माइनस प्लस माइनस, 5 1 आर 5. अब यहां पर के प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो 0 है, प्रॉपर्टी ऑफ 0. के प्लस 1 इंटू 0 वो 0 ही आएगा, या के इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 प्लस 0 वो 0 ही होता है. अब हमने डायरेक्ट लिखा. अब यहां पर 5k इक्वल टू ये माइनस 5 यहां ले जाइए राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसको उठा के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये माइनस है तो ये क्या बनेगा प्लस, क्योंकि ये साइन चेंज करेगा. अब k इक्वल टू 5 ये मल्टीप्लाई में है ना बच्चों, ये डिवाइड है 5, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा. 5 1 आर 5 1 आर कैंसिलेशन कीजिए, तो के इक्वल टू 1 डिवाइड 1, बच्चों 1 डिवाइड 1 क्या होता है 1, तो के का वैल्यू जो है वो 1 निकला हमें, तो k का वैल्यू 1 निकला. तो जो रिक्वायर्ड रेशो होगा वो 1:1 ही होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना इसको डिवाइड कर रहा है x एक्सिस, तो रिक्वायर्ड रेशो जो होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो जो है वो होगा 1:1, क्योंकि आपने k:1 रखा था ना वो रिक्वायर्ड रेशो. तो k क्या निकला, देखिए k का वैल्यू क्या है 1:1, तो रिक्वायर्ड रेशो जो है वो 1:1, यानी एक हिस्सा यहां एक हिस्सा यहां. अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, यानी y जो है ये ना x जो है x के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो x का आप देखना, x का वैल्यू क्या होगा, y का तो 0 आ गया हमें, अब x का देखना होगा. अब वो कैसे हम निकालेंगे, देखो बच्चों बहुत इजी है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये जो k का वैल्यू यहां हमें निकला ना, k का वैल्यू क्या निकला बच्चों 1, यही वैल्यू आप पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, यहां पर हमने इसका इक्वेशन फर्स्ट बनाया था ना, तो यही वैल्यू पुट कीजिए. तो हम लिखेंगे पुट k इक्वल टू 1, जो हमें वैल्यू निकला k का 1, पुट k इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वो हम किस में डालेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में. अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन यहां है देखिए, 4 - 4k + 1 / k + 1, 5k - 5 / k + 1, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. तो बच्चों यहां से मैं इरेज करता हूं इसको, अब देखिए, तो माइनस फोर के का वैल्यू क्या निकला बच्चों, ये देखिए के का वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 के 1 प्लस 1. तो आपको ये y निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निकल चुका है, या आप आगे आप निकाल भी सकते हो, तो ये तब भी 0 ही आएगा. 5 k का वैल्यू 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय k का वैल्यू 1 प्लस 1. अब देखिए माइनस प्लस माइनस 4 1 आर 4 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 4 1 आर 4 प्लस 1. अब देखिए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 क्या होता है बच्चों, 2 कमा 5 × 1 5 - 5 डिवाइड बाय 1 + 1 2. अब माइनस 4 + 1 माइनस प्लस माइनस, 4 को 1 काटेंगे तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस क्योंकि ये ज्यादा है डिवाइडेड बाय 2 कमा 5 - 5 तो 0, 5 - 5 तो 0 डिवाइड 2. अब यहां देखिए -3/2 कमा 0 / 2 0. अब देखिए वाई ऑर्डिनेट क्या था, 0, यहां भी 0 निकला, तो यहां से आपको चेक भी हो गया, यहां से जो है वेरीफाई भी हो गया, हमने y ऑर्डिनेट 0 रखा था, देखिए यहां से भी क्या आ गया 0. हाँ x का वैल्यू क्या आ गया, अब x का वैल्यू -3/2. तो जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट p के वो होंगे -3/2, 0. तो यहां लिखेंगे सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जो था x कामा 0, तो वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अब आ गए x, बच्चों x कितना आ गया -3/2 कामा 0,
तो ये जो है रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट पी के। तो आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में ना आया तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। हाँ, लेकिन इसकी कॉपी आप मेंटेन कीजिए और ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में शेयर।